हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 8.2 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पर एक बॉक्स दिया गया है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इनमें से आपको किसी एक की वैल्यू दी गई है और बाकी दो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट वन में दिया है cos थीटा, इसकी वैल्यू आपको दिया है 35/37, तो ये हम लिख लेंगे और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। कॉस थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमको पता है कि वो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस साइड, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस साइड विल बी इक्वल टू 35/37 फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। इसके हिसाब से एडजेसेंट की वैल्यू हो जाएगी 35 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 37, इसे हम दे देंगे इक्वेशन ए एंड बी। अब बाकी जो आपको sin और tan फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको एक और साइड लगेगी जो कि है अपोजिट साइड। तो यहाँ अपोजिट साइड तो हमारे पास है नहीं, तो उसको हम ले लेंगे x, लेट द अपोजिट साइड बी x। तो अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस साइड को मिलाने का एक फॉर्मूला है जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे, वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, वो है 37, तो 37 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अपोजिट हमारे पास है नहीं तो उसको लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एडजेसेंट है 35, तो 35 स्क्वायर, 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1396, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। अब ये जो नंबर्स लाइक टाइम है उसे सेपरेट कर देंगे, 1396 - 1225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट, तो रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू एक्स, और हमें पता है कि 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है, तो 12 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमने लिया था अपोजिट साइड के लिए, तो हम लिख सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड हमारी जो है वो 12 है, तो इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सी। अब आपके पास तीनों साइड है, एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेनियस, तो अब आप sin थीटा और tan थीटा का जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल्स टू जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है sin थीटा का अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस साइड, तो अपोजिट साइड आपके पास है वो है 12, हाइपोटेनियस ऑलरेडी आपको दिया हुआ था 37। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है tan थीटा, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, इसका आंसर आ जाएगा 12/35 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। सो ये है क्वेश्चन नंबर वन। ऐसे ही अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए वो आपको सॉल्व करना है। सेकंड वन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर दिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू 11/61, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। sin थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस साइड, इसे दे देंगे इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और टू से हमें पता चल जाएगा कि अपोजिट साइड है 11 और हाइपोटेनियस साइड है 61, तो वही लिख देते हैं अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू 11 इक्वेशन ए और हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल्स टू 61 इक्वेशन बी। अब अपोजिट है हाइपोटेनियस है, आपके पास एडजेसेंट नहीं है, तो लेट एडजेसेंट साइड बी एक्स, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर। अपोजिट का वैल्यू है, हाइपोटेनियस का वैल्यू आपके पास 61, अपोजिट का वैल्यू आपके पास 11 और एडजेसेंट का वैल्यू नहीं है, तो उसे ले लेंगे एक्स स्क्वायर। 61 का स्क्वायर होता है 3721, 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 3721 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आपका 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट, रूट ऑफ 3600 इज इक्वल टू एक्स, रूट ऑफ 3600 हो जाता है 60 इज इक्वल टू एक्स, और 60 जो है वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड की वैल्यू, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सी। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो कॉस और टेन की, तो कॉस की वैल्यू लीजिए, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल्स टू 60/61 इक्वेशन नंबर बी एंड सी, और फिर टेन की वैल्यू निकाल लीजिए, टेन इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट विल बी 11/61 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको दिया है टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया है। अब ये 1 जो आपको दिया हुआ है ये फ्रैक्शन में तो दिया नहीं है, तो यहाँ आप 1 के नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं, तो उस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं 1/1 इक्वेशन नंबर 1। टेन थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, वो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड, वो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता चलता है कि अपोजिट साइड है 1 और एडजेसेंट साइड भी है 1,
सो वही लिख देंगे, अपोजिट साइड इज इक्वल टू वन, एडजेसेंट साइड इज ऑल्सो वन, इक्वेशन ए एंड बी। अब हमारे पास जो साइड नहीं है वो है हाइपोटेनस, तो उसे हम एक्स ले लेंगे, लेट हाइपोटेनस साइड भी एक्स। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू रूट टू, ये है हमारी हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू जो है रूट टू। सो अब आपके पास हाइपोटेनियस है, अपोजिट है और एडजेसेंट है, अब आप निकाल सकते हो सिन और कॉस की वैल्यू, तो सिन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, इक्वेशन ए एंड सी, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस दैट इज ऑल्सो वन बाय रूट टू फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर दिया है sin theta is equals to 1 by 2, equation number 1, sin theta का जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपोजिट बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1 बाय 2, यानी अपोजिट साइड की वैल्यू हो जाएगी 1 और हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू हो जाएगी 2, इसे दे देंगे इक्वेशन 1 ए एंड बी। अब अपोजिट है आपके पास और हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट नहीं है, तो एडजेसेंट साइड को एक्स ले लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, दैट विल बी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर ला लीजिए स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट की, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू रूट 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सी। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपको बोला गया है कॉस थीटा और टेन का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, इक्वेशन बी एंड सी, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें दिया है कॉस थीटा, कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू दिया है 1 बाय रूट 3 इक्वेशन 1, एंड कॉस थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता है वो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 बाय रूट 3, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड की वैल्यू हो जाएगी 1, इक्वेशन ए दे दो उसको, और हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू हो जाएगी रूट 3, इक्वेशन बी दे देंगे उसे। हमें फाइंड आउट करना है अब अपोजिट की वैल्यू जो है एक्स, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो रूट 3 का स्क्वायर है, तो रूट 3 और स्क्वायर यानी रूट और स्क्वायर एक साथ आते तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इधर ला लीजिए माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट, तो रूट 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी हमारी जो अपोजिट साइड की वैल्यू है वो है रूट 2, इसे दे देंगे इक्वेशन सी। अब हमें फाइंड आउट करना है sin और tan, तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस यानी रूट 2 बाय रूट 3, इक्वेशन बी एंड सी, एंड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज इक्वल टू रूट 2 बाय 1 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 21 बाय 20, इक्वेशन 1, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपोजिट बाय एडजेसेंट इज इक्वल टू 21 बाय 20, यानी अपोजिट साइड की वैल्यू हो जाएगी 21 और एडजेसेंट साइड की वैल्यू हो जाएगी 20, इक्वेशन ए एंड बी दे देंगे इसे। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है हाइपोटेनियस, तो उसे ले लेंगे एक्स और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 प्लस 400, तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन 841, 840 स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा रूट ऑफ 841, 841 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 29, और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सी। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो sin और cos की वैल्यू, तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू 21 बाय 29 एंड फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, एंड cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू 20 बाय 29, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें दिया है tan थीटा, फिर से tan थीटा की वैल्यू दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 8 बाय 15 इक्वेशन 1,
एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन टू. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अपोजिट बाय एडजेसेंट विल बी इक्वल्स टू 8 बाय 15. यानी अपोजिट साइड की वैल्यू हो जाएगी 8 और एडजेसेंट साइड की वैल्यू हो जाएगी 15. इसे दे दो इक्वेशन ए एंड बी. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस. तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225. दोनों का एडिशन कर लीजिए वो हो जाएगा 289. स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट रूट ऑफ 289. 289 हमको पता है किसका स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू 17. इसे दे देंगे इक्वेशन सी. हमें फाइंड आउट करना है sin और cos. sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस सो 8 बाय 17 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी. एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल्स टू 15 बाय 17 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5. इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. sin थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस दैट इज इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपोजिट बाय हाइपोटेनियस की इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5. यानी अपोजिट की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 5. इक्वेशन ए एंड बी दे दीजिए इसे. अब हमें फाइंड आउट करना है एडजेसेंट, उसे एक्स लेते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर. 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू एक्स. यानी ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड. इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सी. अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस और टेन. तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल्स टू 4/5 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी. एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज इक्वल्स टू 3/4 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी. इस बीट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमको दिया है टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/2√2. इसे दे देंगे इक्वेशन 1. टेन थीटा का वैल्यू जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा. इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर दिया है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2√2 फ्रॉम इक्वेशन ए 1 एंड 2. यानी इसका मतलब है कि अपोजिट साइड की वैल्यू है 1 और एडजेसेंट साइड की वैल्यू है 2√2. इसे दे देंगे इक्वेशन ए एंड बी. हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस, उसे ले लेंगे एक्स. बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1. 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये 2, ये इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है. और √2 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा 2. तो ये हो जाएगा पूरा वैल्यू 8. तो यानी 2√2 का जो स्क्वायर होता है वो 8 होता है. तो प्लस हम डायरेक्ट लिखेंगे 8. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. स्क्वायर उधर लेके जाइए स्क्वायर रूट. एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9. यानी एक्स आपका हाइपोटेनियस का वैल्यू आ जाएगा 3. अब आपको फाइंड आउट करना है sin और cos की वैल्यू. तो sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी. एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल्स टू 2√2/3 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी. नेक्स्ट बीट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा बीट नंबर 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जिसके वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है. सो sin थीटा 5 sin थीटा प्लस 3 tan 45. तो 5 और sin 30 के बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है. तो वैसे लिख देंगे 5 इंटू sin 30 प्लस 3 इंटू tan 45. सो 5 इंटू sin 30 की वैल्यू हमको पता है वो है 1/2 प्लस 3 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1/1. अब 5 इंटू 1/2 अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा 5/2 और 3 इंटू 1/1 करेंगे तो वो हो जाएगा 3/1. ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 1 5, 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2 1 2, यानी 5 + 6/2 ये हो जाएगा 11/2. ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा फर्स्ट वन का. सेकेंड वन की तरफ चलते हैं. 4/5 tan² 60 प्लस 3 sin² 60. 4/5 × tan 60 का जो वैल्यू है वो √2 और tan को स्क्वायर है इसलिए √3 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 × sin² 60. यानी sin 60 का वैल्यू हमारे पास है √3/2, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे आप. सो अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब एक साथ आते हैं, होल स्क्वायर
और स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/5 इंटू 3 इस तरह से आ जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि प्लस 3 इंटू 3/4, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट वन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/5 प्लस 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा 48 प्लस 45/20। ये 48 कैसे आया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 12 4 48। 45 कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 5 45। और 20 कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 4 20। तो 45 प्लस 48 विल बी इक्वल्स टू 93 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब दोनों एक ही टेबल में नहीं जाते हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 93/20। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन दिया है 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90। तो 2 into sin 30 का वैल्यू है 1/2 प्लस cos 0 का वैल्यू है 1 प्लस 3 into sin 90 का वैल्यू है 1। ये 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा है 1 प्लस 1 और 3 1 जो होता है 3। तो 3 + 1 + 1 विल बी 5। नेक्स्ट फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है tan 60 / sin 60 प्लस cos 60। सो tan 60 / ये डिवाइड, ये ऐसे डिवाइड लिखने की जगह हम उस सिम्बॉल में डालेंगे डिवाइडेड बाय sin 60 + cos 60। tan 60 का वैल्यू है √3/1 डिवाइडेड बाय sin 60 का वैल्यू है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू है 1/2। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन को क्या किया जाता है कि डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा जाता है और ऊपर के नंबर एज इट इज ऐड किए जाते हैं। सो √3/1 डिवाइडेड बाय √3 + 1/2। अगर आपको किसी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेना है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। सो √3/1 इंटू 2 + √3 + 1। सो 2 × √3 विल बी 2√3 और √3 + 1 विल बी इक्वल्स टू √3 + 1। नेक्स्ट फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है cos² 45 + sin² 30। सो cos² 45 दिया है, तो यानी जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर आएगा। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सो 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। अनलाइक फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8। तो यानी 4 + 2/8 दैट इज इक्वल्स टू 6/8। और ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं 2 के, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो ये हमारा आंसर रहेगा 3/4। लास्ट वन की तरफ चलते हैं, जो दिया है cos 60 × cos 30 + sin 60 × sin 30। सो cos 60 का वैल्यू है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू है √3/2, sin 60 का वैल्यू है √3/2 और cos 30 का वैल्यू है 1/2। इसे अलग सॉल्व करना है और इसे अलग सॉल्व करना है। सो √3 × √3, 2 × 2 = 4, सो √3/4 प्लस √3 × √3, 2 × 2 = 4, तो √3/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा जाएगा और न्यूमरेटर ऐड करेंगे, तो √3 + √3 हो जाएगा 2√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया है बीट नंबर 3। यहाँ पर दिया है sin θ = 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इसे हमें बीट नंबर 1 की तरह करना है, तो वही लिखेंगे sin θ = 4/5 equation 1। एंड sin θ का जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज साइड, इसे दे देंगे equation 2। फ्रॉम equation 1 and 2 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 4/5, और इसका मतलब है कि अपोजिट साइड की वैल्यू है 4 इक्वेशन ए और हाइपोटेन्यूज साइड की वैल्यू है 5 इक्वेशन बी। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एडजेसेंट। तो लेट एडजेसेंट बी एक्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5² इज इक्वल्स टू 4² प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 - 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 25 - 9 हो जाएगा 9, 25 - 16 हो जाएगा 9, 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट, रूट 9 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी 3 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स किसकी वैल्यू है एडजेसेंट की, तो 3 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड, वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन सी। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू 3/5 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बीट नंबर 3 का। बीट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बीट नंबर 4 में दिया है इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15/17 इक्वेशन 1,
टेन कॉस थीटा का जनरल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस इसे दे देंगे इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 15/17 यानी एडजेसेंट साइड की वैल्यू हो जाएगी 15 इक्वेशन ए और हाइपोटेनस साइड की वैल्यू हो जाएगी 17 इक्वेशन बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है अपोजिट साइड। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर है 289 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। 289 माइनस 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू एक्स यानी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8। एक्स हमने लिया था अपोजिट साइड के लिए यानी अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू 8। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8/17 फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलिया सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।